अच्छा, रियल केस वाली पॉलिटिक करना है। उसके लिए हमको आपको कुछ ऑफिस रेजम्पशन लेना पड़ता है। जैसे हमको बताया था कि हाई टेम्परेचर हो लो प्रेशर पे आप रियल केस को मान सकते हो, आइडियल केस की तरह बिहेव करेंगे। तो रियल केस मतलब जो भी केस से आप डील कर रहे हो अभी, और जो जो अजम्पशन में आइडियल केस में कौन कौन सा अजम्पशन देखा था अभी हमने आइडियल केस में। इलास्टिक कोलिजन, हाँ, पहला देखा था मैंने कि वो इलास्टिक कोलिजन होगा, लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं। रियल केस में जब भी कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। जब भी वो मॉलिक्यूल से जैसे ही वॉल से टकराएगा तो उसका कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस। हाँ, और वो आपस में भी टकराएंगे, और उनका जो मूवमेंट होगा, जो रियल गैस के जो हेलो मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा वो फ्रिक्शनलेस नहीं होगा। कुछ फ्रिक्शन होगा वहां पर, हेलो। उनका मास हाँ और वॉल्यूम है महिपाल, ना, हेलो। मॉलिक्यूल से उसका मास और वॉल्यूम तो कुछ होगा, लेकिन आइडियल गैस में मैंने महिपाल उसको जीरो हेलो। माना था। बट यहाँ पर कुछ उसका मास और वॉल्यूम होगा, जो रियल गैस का जो मॉलिक्यूल होगा उसका। मेजरमेंट ऑफ अच्छा, ब्रेक पावर। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। मेजरमेंट समझ में आया? ऑफ ब्रेक पावर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रेक गैस में मेजरमेंट और इन द आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस टेस्ट समझ में आया? शेड्यूल ऑफ एन इंजन। सबसे पहला है नो डेफिनेट इट वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व्स वॉल्यूम है द मॉलिक्यूल का। डिटर्मिनेशन ऑफ द टॉर्क एंड द इलास्टिक ट्रांजिशन ऑफ एंगुलर पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ यहाँ पे क्या है, नॉन इंजन इलास्टिक आउटपुट कोलिजन बिटवीन शाफ्ट। पार्टिकल्स। दिस आइडियल गैस टॉर्क का नो इंटर मेजरिंग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिवाइस फोर्स, इज कॉल्ड यहाँ पर है इंटर डायनोमोमीटर। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ऐसी डायनोमोमीटर गैस कैन बी ब्रॉडली एग्जिस्ट नहीं करती क्लासिफाइड है। मैंने इनटू आपको पहले कहा था कि टू हमारा मेन जो रियल टाइप्स। गैस है कंसेप्ट हमने फर्स्ट पढ़ाया है था, लेकिन ये अब्जॉर्प्शन कौन सी है, रियल गैस डायनोमीमीटर, है रियली एंड एग्जिस्ट सेकंड है करती है एनवायरनमेंट में, ट्रांसमिशन एग्जिस्ट करती है। डायनोमीटर। ये ऑब्वे करती है पीवी इक्वल्स टू प्रिंसिपल ऑफ एनआरटी, डायनोमीटर, और ए ये रोटर जो इक्वेशन ड्रिवन को फॉलो करती है बाय वही द ऑब्वे इक्वेशन, इंजन जिसको बोलते अंडर हैं वेबर टेस्ट वाला इक्वेशन। इज इलेक्ट्रिकली हाँ, हाइड्रोलिकली एंड मैग्नेटिकली। अभी कपल टू ए स्टेटर फॉर देखो एवरी रिवॉल्यूशन ऑफ द शाफ्ट द रोटर अभी वापस बात पेरिफेरी करते हैं। सिर्फ मूव्स थ्रू ए हाइपोथेटिकल डिस्टेंस कंडीशन है जो ये टू पाई एग्जिस्ट आर करती है, अगेंस्ट बिल्कुल अ स्टडी कपलिंग शो है। फोर्स तो अब देखो एफ, आप यहाँ हेंस द वर्क डन मुकाबले पर में रिवॉल्यूशन इज इसके अजम्पशंस टू नहीं पाई लेंगे, आर इक्वेशन कितनी एफ। बड़ी हो जाएगी, कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो वो इक्वेशन के कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजें दिस जो इज द सीरियस व्हील हो सकती है वो अजम्पशन मान के उसको नेगलेक्ट एंड करके, तो कितनी छोटी इक्वेशन बन गई, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। दिस बात समझ पेरिफेरी में इज टू आया? पाई आर। टू पाई यस आर और सर, ये आप पढ़ोगे बीटेक में, इट कैन लेकिन बी जैसे आप पाई डी। रिसर्च वर्क करोगे तब आपको एक एक चीज को कंसिडर करना है। पाई डी ये हो जाएगा एंड पीएचडी रिसर्च, फोर्स जब आप रिसर्च कपलिंग वर्क करोगे फोर्स। तो आपको हर चीज कंसीडर करना, कुछ भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते कपलिंग हो। फोर्स तो इज जैसे एफ। आप हायर स्टडी करोगे तो आपको सब चीज सो इंक्लूड द करना है वर्क कि डन अगर आप डब्ल्यू इज टू पाई आर एफ। नॉर्मली स्टडी कर रहे हो तो उसकी द कॉम्प्लिकेशन एक्सटर्नल रिड्यूस करने के मोमेंट लिए हमने अजम्पशंस नहीं, और उसको टॉर्क इक्वेशन इज छोटी इक्वल करना है। टू बात समझ में पी आया? इंटू आर। पी इज द स्केल ऑफ रीडिंग एंड आर इज अ आर। ये डाउट क्लियर हुआ? हाँ दिस सर। मोमेंट वैलेंस चलो आगे बढ़े द हैं। टर्निंग मोमेंट आर इंटू एफ। अब हम ना रियल गैस को डिराइव कर लेते हैं, पी रियल इंटू गैस आर इक्वल इक्वेशन। टू आर इंटू एफ। रियल गैस इक्वेशन देन वर्क डन देखो, पर सबसे रिवॉल्यूशन पहले आइडियल इज गैस इक्वेशन निकाले थे हम। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? टू पाई पी आर पर सेकेंड में पीवी लिखेंगे तो इक्वल्स टू एम आर टू टी पाई पी आर एन। आर। एन इज अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पावर देन द पावर इज टू पाई अब आर देखो, एन। हमने सबसे पहला अजम्पशन क्या माना था कि जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसका वॉल्यूम नहीं होगा। मतलब इस एक मॉलिक्यूल से मान लो, उसका नाम दे दिया मैंने ए, मॉलिक्यूल ए। तो मॉलिक्यूल ए के लिए घूमना है इसको, अगर इस स्पेस के अंदर, तो पूरा वी वॉल्यूम में घूम सकता है ये। इसका हेलो वॉल्यूम वी है, मान लेते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम वी है। हेलो मतलब जो मॉलिक्यूल ए है इसको घूमने के लिए पूरा अभिषेक। वी वॉल्यूम हेलो अवेलेबल है आइडियल गैस के अकॉर्डिंग। हाँ, अभिषेक क्योंकि इसका घूमने का हेलो। वॉल्यूम तो हमने क्या माना था, आइडियल गैस हाँ के केस में अभिषेक उसका क्या मान रखा है, हेलो। जीरो। लेकिन मुझे ये बताओ, रियल कंडीशन की मैं बात करूं महिपाल तो इसके लिए घूमने के लिए जगह कितनी है? हाँ इसके रश्मि घूमने के हेलो। लिए वॉल्यूम ए के लिए बात करूं तो इसके लिए यस घूमने के लिए सर। जगह क्या है, वी हाँ माइनस वी ऑडिबल है इंटू। ना साउंड। अरे खुद के वॉल्यूम में तो नहीं घूम सकता हेलो सर, बीच बीच पूरे में वॉल्यूम में कट इसके। रहा है, बीच बीच में कट रहा है।
और बहुत सारी आवाज एक साथ आ रही है तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। कि इस बॉल को इस रूम के अंदर घूमना है। पावर क्या होती है? पावर अप्लाइड बाय द ब्रेक। आप जैसे स्कूटर चलाते हो या कुछ भी, तो अपन जो व्हील चल रहा है उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक से जो पावर अप्लाई हुई जिसकी वजह से व्हील का मोमेंट रुक गया। स्कूटर में जो पीछे वाला व्हील है या आगे वाला, दोनों व्हील रुक गए, तो जो पावर अपन ने अप्लाई की उसको क्या बोलेंगे? ब्रेक पावर। ठीक है, उसको कैसे मेजर करेंगे? सपोज करो ये रोटर है, ये रोटेट कर रहा था, अपन ने इसको रोक लिया, तो कितना फोर्स अपन को कितना अप्लाई करना पड़ेगा रोकने के लिए, कितनी पावर अप्लाई करनी पड़ेगी, वो उस पर डिपेंड करेगी जितनी इसकी वेलोसिटी और इसके अंदर जो पावर है ना, उतना ही सेम अप्लाई करेंगे तभी ये रुकेगा। तो जो अपन को वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा 2πr। 2πr तो वो वेलोसिटी हो गई है ना लीनियर में, इनटू एफ फोर्स जो अपन अप्लाई करेंगे। इसको एंगुलर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πrn। 2πr तो क्या हो गया? ओमेगा। ओमेगा इनटू एन, चार गुना। इस वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल है इसके वॉल्यूम का चार गुना हम एक्सक्लूडेड करते हैं। अभी कैसे करते हैं? ठीक है, अपन आते हैं एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर। दिस डायनोमीटर मेजर द एब्जॉर्ब द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन टू विच दे आर कपल्ड। द पावर एब्जॉर्ब इज यूजुअली डिसिपेटेड एज हीट बाई सम मीन्स। जैसे अपन ब्रेक लगाते हैं तो हीट जनरेट होती है और वो व्हील वहीं रुक जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ such dynamometers as Pronius brake dynamometer, rope brake and hydraulic dynamometer. rope brake में भी क्या होता है? अपन उसके अंदर रोप से उसको रोकते हैं उसको, और रोप के अंदर फ्रिक्शन होता है और वो स्टेशनरी आ जाता है। टोटल मिला के इसकी रेडियस की बात करूंगी तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो, ये जैसे डायनोमीटर है, सपोज करो ये आपके स्कूटर का पीछे वाला व्हील है ना, ये रनिंग में है, अपन ने इसको स्प्रिंग से इसको टाइट किया तो क्या हो गया? स्टेशनरी हो जाएगा। जो इसकी पावर थी वो सारी अपन ने अब्सॉर्ब कर ली और इसको स्टेशनरी कर लिया, तो अपन ने जितनी पावर अप्लाई की वो उतनी होगी जो इसके अंदर पावर थी। तो अपन उस पावर को मेजरमेंट करके उसकी ब्रेक पावर अपन निकाल सकते हैं। ये पुली है तो अपन ने वुडन ब्लॉक से यहाँ पे टाइट किया और वो स्टेशनरी हो गई, तो जितना अपन ने स्क्रू से जो इससे अपन ने जितना फोर्स लगाया और जितना पावर अपन ने अप्लाई की वो इसके इक्वल हो जाएगी, तब स्टेशनरी हो जाएगी। तो अपन इस पावर को मेजर करेंगे तो अपन ब्रेक पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइप में क्या होता है? इन ट्रांसमिशन डायनोमीटर्स द पावर इज ट्रांसमिटेड। हेलो, हेलो भाई, आपकी चलो क्या? ट्रांसमिशन डायनोमीटर। इन ट्रांसमिशन डायनोमीटर्स द पावर इज ट्रांसमिटेड टू द लोड कपल्ड टू द इंजन आफ्टर इट इज इंडिकेटेड ऑन सम टाइप ऑफ स्केल। दीज आर कॉल्ड टॉर्क मीटर्स, है ना? ट्रांसमिशन में हो गया आगे डिस्कस करेंगे इसको। एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर्स, एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सा? एक तो प्रोनी ब्रेक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग हॉर्स पावर इज टू अटेम्प्ट टू स्टॉप द इंजन बाय मींस ऑफ ए ब्रेक ऑन द फ्लाई व्हील एंड मेजर द वेट विच एन आर अटैच्ड to the brake will support as it tried to rotate with the flywheel. This system is known as Pronius brake. ये देखो, ये Pronius brake है। ठीक है,
द प्रोनी बेग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग पावर इनटू हीट बाय ड्राई फ्रिक्शन इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन ब्लॉक माउंटेड ऑन ए फ्लेक्सिबल रोप दिस इज अ वुडन ब्लॉक ये फ्लेक्सिबल रोप है ये और बेंड द वुडन ब्लॉक व्हेन प्रेस्ड इनटू कांटेक्ट विद द रोटेटिंग ड्रम ये रोटेटिंग ड्रम है और पुली ये हो गया रोटेटिंग ड्रम टेक्स द इंजन टॉर्क एंड पावर इज डिसिपेटेड इन द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस वुडन ब्लॉक और व्हील के बीच में जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा उसके हीट में कन्वर्ट हो जाएगी जो पावर है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी स्प्रिंग लोडेड बोल्ट आर प्रोवाइडेड टू टाइटन द वुडन ब्लॉक यहाँ से अपन इसको टाइट करते जाएंगे एंड हेंस इंक्रीज द फ्रिक्शन द होल ऑफ द पावर अब्सॉर्ब इज कन्वर्टेड इनटू हीट जो ये जो व्हील है इसके अंदर जो भी पावर थी वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी Hence, this type of dynamometer must be cooled. The brake horsepower is given by brake power क्या होगी इसकी 2 pi n t. Torque क्या है W into R. इसमें W क्या है weight और ये R radius. Weight कौन सा हो गया ये जो अपन ने apply किया और radius इसकी ये डिस्टेंस योगी रेडियस आर ठीक है डब्लू इनटू आर है ना योगी टॉर्क और टू पाई एन हो गया आपका रोटेशन एन आरपीएम हो गए टू पाई एन तो ब्रेक पावर होगी टू पाई एन टी नेक्स्ट है रोप ब्रेक द रोप ब्रेक द रोप ब्रेक एज शोन इन फिगर 18.16 इज अनदर सिंपल डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्रेक पावर इन इंजन इसमें ये देखो रोप से अटैच है यहाँ पर रोप इस तरह से है ये रोप पूरी इस तरह से है ना ऊपर और नीचे ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स of rope wounded around the rotating drum attached to the output shaft. One side of the rope is connected to a spring balance and other to a loading device. ये spring balance है और नीचे की तरफ load है यहाँ पे W. Last में है ना weight अपन attach करेंगे. Same method है. Output shaft. Yeah. One side is connected to spring balance and other rolling. The power is absorbed in friction between the rope and the drum. The required cooling. You know? Rope brake is cheap and easily constructed, but not very accurate because of changes in the friction coefficient of the rope with temperature. Same. ब्रेक पावर 2 पाई एन डब्लू माइनस एस एस क्या है स्प्रिंग स्केल रीडिंग डी इज द ब्रेक ड्रम डायमीटर डब्लू इज द वेट तो टोटल डब्लू वेट है और एस है स्प्रिंग स्केल रीडिंग W माइनस S करेंगे तो टोटल जो फोर्स अपन ने या लोड अप्लाई किया वो आ जाएगा है ना हाइड्रोलिक डायनामोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसिपेटिंग द पावर इन फ्लूइड फ्रिक्शन रादर देन इन ड्राई फ्रिक्शन है ना इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन होगा इन प्रिंसिपल Its construction is similar to that of fluid flywheel. ये देखो ये fluid flywheel आपने देखी है उसी की तरह होता है इसमें same. It consists of inner rotating member or impeller coupled to the output shaft of the
इंजन. दिस इंपेलर रोटेट्स इन ए केसिंग फिल्ड विद फ्लूइड. दिस आउटर केसिंग ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप टेंड्स टू रिवॉल्व विद द इंपेलर बट इज रेजिस्टेड बाय ए टॉर्क आर्म सपोर्टिंग द बैलेंस वेट. The friction force between the impeller and the fluid are measured by the spring balance fitted on the casing. इसमें डायग्राम में आपको शो नहीं हो पाएगा. सर वॉल्यूम भी तो है ना आइडियल वाले केस में ज्यादा था ना सर. The heat developed due to dissipation of power is carried away by a continuous supply of the working fluid, usually water. The output can be controlled by regulating the slice gate, which can be moved in and out of partially or wholly obstructive flow of water between impeller and the casing. इसको 3D में अपन कल देखेंगे है ना. अभी इसका 3D डायग्राम है नहीं. आप क्वेश्चन करो ब्रेक पावर के ऊपर है ना. नोट करो इसको. अटैच्ड ऑन ए सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल इंजन हैविंग बोर 18 सेंटीमीटर स्ट्रोक है 36 सेंटीमीटर यील्डेड ऑन द फॉलोइंग रिजल्ट. स्पीड दे रखी है 285. ब्रेक टॉर्क इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर. फ्यूल कंजप्शन दे रखा है 3.5 किलोग्राम पर आवर. कूलिंग वाटर फ्लो है 4.1 किलोग्राम पर मिनट. कूलिंग वाटर टेम्परेचर राइज 36 डिग्री सेंटीग्रेड. एयर फ्यूल रेशियो दे रखा है 25. एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है 415 डिग्री सेंटीग्रेड. बैरोमेट्रिक प्रेशर है 1.013 बार. रूम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड. द फ्यूज हैज अ फ्यूल हैज अ कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है एंड कंटेन 15% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन. आपको निकालना है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. ठीक है और निकालनी है हीट बैलेंस इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मिनट. एक्सप्लेनिंग क्लियरली द कंटेंट ऑफ सच टर्म्स. आर की वैल्यू दे रखी है सी भी दे रखा है और सीपी गिवन है. कैलकुलेट करो. हेलो 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 यस सर. नोट कर लिया क्वेश्चन? नहीं सर. लिख कर आज यूनिट खत्म कर रहे हैं. दो तीन टॉपिक ही बचे इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस हमने देख रखा ऑलरेडी. ये सब पता आपको? अरे पता है ना. अभी इक्वेशन हम स्टेट पे हमने देख लिया. डाल दस ना. अरे वंडर वाली इक्वेशन अभी निकाला ना बेटा हमने.
आउट कर लिया। हेलो यस सर कर लिया। इंडिकेटेड पावर निकालो फर्स्ट। मीन इफेक्टिव प्रेशर एरिया एल इंटू एन। एरिया हो जाएगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर। इंडिकेटेड पावर कितनी आ रही है? हेलो आ रही है सर 15.7। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालो। वॉल्यूम फ्रैक्शन हमने कर दिया था P इनटू में V माइनस N V बस टू M R T ये था। C V क्या था? तो हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ सब जब प्रेशर करेक्ट प्रेशर के करेक्शन की बात करूँगा तो M R T by V माइनस N V। अभी हो गया हमारा प्रेशर। अभी प्रेशर में हमको कुछ माइनस करना था करेक्शन जो करना था कुछ माइनस इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होगी इंडिकेटेड पावर अपॉन फ्यूल पावर है ना। नीचे तो फ्यूल पावर आ गई और ये इंडिकेटेड पावर आ गई। इस प्रेशर में हमने ये करना है। अभी ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा p plus a n square by v square। इंडिकेटेड पावर अपन को गिवन है ना p by v minus a। इसको ऊपर ले जाके क्या आ जाएगा p plus a n square by सेकेंड निकालो एयर इनहेल्ड। इसको बोलते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। हेमंत आया समझ में? हाँ कृष्णा सर
सर अभी डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। अभी भी कुछ लग रहा है? पूछो कुछ डाउट लग रहा तो। एयर इनहेल्ड कैसे निकालेंगे अपन? मास ऑफ फ्यूल अपन को दिया हुआ है ना? एयर फ्यूल रेशियो अपन को गिवन है। हेलो है ना, एयर फ्यूल रेशियो है 25। तो यानी एयर का जो मास है वो 25 टाइम्स ज्यादा है फ्यूल के मास से। फ्यूल का मास अपन को गिवन है तो एयर का इनहेल्ड आ जाएगी है ना। अपन को किस में दिया हुआ है? किलोग्राम पर आवर में। आर में दिया हुआ 60 से डिवाइड करते हैं। मिनट में निकाल लिया। ठीक है, 1.46 किलोग्राम पर मिनट एयर है ना। हमारे में एक ही टुकड़ा था। एयर इनहेल्ड आ जाएगी है ना। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड। करके आया ना सही? वो वहां से बंद था सीसी लेफ्ट से बंद है ना? थोड़ा सा कर। PV इक्वल टू MRT है ना, इसे अपन V निकाल लेंगे। वॉल्यूम MRT अपॉन P मास अपने पास आ गया, M की वैल्यू आ गई अपने पास 1.46 है ना। M से अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे एयर का। चलो आप लोग भी आगे मेरे को देना पड़ेगा ना रिकॉर्ड, एक फाइल में मैं लगा देता हूँ ये सारे पेज और उसका बना के ये काम इस चीज को दिया गया वहाँ पे साइन करा लूंगा उस फाइल पे है ना। 7 दिन का टाइम दिया गया सबके। तो मैं लास्ट में मीटिंग की थी आप तो रुके नहीं उसके बाद यार है? डाउनलोड करके और लगा था उसमें क्या है भाई? 5 मिनट से आधा का काम हो तब तो कोई ऐसा भी हो नहीं। वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आ गया क्या? हेलो हेलो आ गया। स्वेप्ट वॉल्यूम निकालो। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा? जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना जिसमें एयर इनहेल्ड हो रही है वो वॉल्यूम हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम। पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल नंबर ऑफ साइकिल। आपकी आवाज कट रही है। हेलो स्वेप्ट वॉल्यूम निकालो है ना। डायमीटर अपन को गिवन है, एल गिवन है, नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट 285 है अपॉन 2 है ना। मैं 4 स्ट्रोक है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 है ना, यहाँ 2 आ जाएगा। स्वेप्ट वॉल्यूम पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, ये तो क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया सिलेंडर के अंदर जो जिसके अंदर एयर जा सकती है वो वॉल्यूम है ना। अब अपन को निकालना है तो जैसे एक मिनट में कितनी नंबर ऑफ साइकिल होंगी तो उतना एयर एंटर करेगा पर मिनट निकालना है, कुछ टाइम इंटरवल में है ना। पर मिनट निकालना है तो एक मिनट में कितनी साइकिल हो जाएंगी वो गिवन है अपन को है ना। 285 अपॉन 2 आएगा, n की वैल्यू 2 आएगी 4 स्ट्रोक के लिए। तो
स्पीड दे रखी है 285 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में 285 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। और एक मिनट में 285 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, और जो ये वॉल्यूम एक बार टू रिवॉल्यूशन में एक बार एयर एंटर करती है ना, क्योंकि कंप्लीट साइकिल एक जो चारों स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं उसमें दो रिवॉल्यूशन होते हैं, तो 285 बाई टू रिवॉल्यूशन होंगे एक मिनट के अंदर, यानी इतने टाइम्स एयर एंटर करेगी, और एक बार में एयर का जो वॉल्यूम होगा वो इतना होगा, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा पर मिनट में, ठीक है। यानी जैसे इस तरह का सिलेंडर है, यहाँ से एयर एंटर करेगी, ये वॉल्यूम है स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। वन मिनट में 285 साइकिल हो रही है, मतलब 285 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, और जो दो रिवॉल्यूशन में एक बार एयर को एंटर करना पड़ता है ना, क्योंकि फोर स्ट्रोक होते हैं जिसमें 90 डिग्री का एक स्ट्रोक होता है, सक्शन 90 डिग्री, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, तो दो रिवॉल्यूशन हो जाते हैं, दो रिवॉल्यूशन में एयर को एक बार एंटर होना पड़ता है, ठीक है। तो टू से अपन डिवाइड करेंगे तो इतनी बार एयर एंटर होगी पर मिनट में, तो पर मिनट में आ जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, हाँ रश्मि, हेलो, नो सर, ओके, नो सर, कोई डाउट नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, एयर इनहेल्ड अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, एयर इनहेल्ड आ गई पर मिनट में, कितनी एयर एंटर, एक्चुअल एयर, है ना। स्वेप्ट वॉल्यूम है ये, टोटल वॉल्यूम आ सकती थी लेकिन इतनी आई, है ना, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ जाएगी। हाँ सर, आ गई। हीट बैलेंस शीट निकालो ना, हीट इनपुट क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, ये जो फ्यूल से जो हीट आया वो हो गया ना हीट इनपुट, और ब्रेक पावर 2 पाई एनटी, पहले हीट इनपुट निकालो फिर ब्रेक पावर